आप सभी को मेरे लिए काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। कोई कारण तो था ही सही, फिर भी क्योंकि समय का उल्लंघन हुआ है इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे। भगवान पार्श्वनाथ के पंच कल्याणक का ये आनंदमय महोत्सव उज्जैनी नगरी की चिमनगंज मंडी में चल रहा है। हमने भगवान का गर्भ कल्याणक बड़े उत्साह से मनाया। हमारी अपेक्षा भी देवों को अधिक उत्साह और उसके साथ उनका उत्तरदायित्व भी होता है। भगवान का जन्म होते ही सारे लोक में एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। दुखी से दुखी प्राणी हैं, वे भी शांति का अनुभव करने लगते हैं। गर्भ से लेकर, गर्भ के 6 महीने पहले से लेकर और जन्म तक 15 महीने रत्नों की वर्षा होना, यह उस महापुरुष की किसी असाधारणता को बताता है। वे साधारण मानव नहीं थे, लेकिन उनकी जो विशेषता है वो स्वयं उनके लिए भी परम कल्याणी और हमारे लिए महाकल्याणी होती है। देव तो, स्वधर्म इंद्र तो कितना अधिक उत्तरदायी है। तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों के लिए विशेष रूप से जब केवल ज्ञान होता है और समव शरण की रचना होती है, उस समय तो स्वधर्म इंद्र पर कितना दायित्व पड़ता है ये वही जानता है। लेकिन परम आनंदित होकर ये सारे काम होते हैं। स्वधर्म इंद्र का वैभव अपार है और उसकी शक्ति भी अपार है, लेकिन भगवान के सामने वह भी उनके चरण चंचरी की तरह, उनके दास की तरह घूमता रहता है। भगवान की व्यवस्था में इंद्राणी तक को लगा देता है। ये उस महापुरुष की कोई महागरिमा और पूर्व का उनका जो संचित पुण्य है उसका महत्व है। भगवान जब जन्म लेते हैं तो सारा दृश्य भी कल हमने देखा और स्वयं उस एक दिन के बालक पर जो देव हैं, इंद्र हैं, वे तो 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। कैसा होगा वो बालक और उन देवों के कलश भी कैसे होते होंगे, कैसे झेल लेते होंगे वे।
कितने दिव्य पुरुष होते हैं तो उसके नियोग में शरीर भी ऐसा दिव्य और दृढ़ होता है कि उनको जरा भी तकलीफ अनुभव नहीं होती। इतने बलिष्ठ होते हैं, सहनन उनका वज्रषभ नाराज होता है और तद्भव मोक्षगामी होते ही हैं। जन्म लेते ही जब इंद्र पर एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व पड़ता है तो वह इंद्राणी को प्रसूति गृह में भेजता है, क्योंकि ये मर्यादा है कि इंद्र प्रसूति गृह में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वही शील और ब्रह्मचर्य के दोष जैसी बातें हैं जिसका हमको भी अनुकरण बड़ी दृढ़ता से हर प्रसंग पर और अपने इन मांगलिक प्रसंगों पर करना चाहिए। इंद्राणी गोद में लेकर आती है और दोनों में काफी मनोहारें होती हैं। इंद्राणी उस बालक को गोदी में लेकर उसका रूप निरख निरख कर छकती नहीं है और इंद्र बार बार उसे मांगता है, मुझे देओ ये बालक, तो वो तो मनोहारें कराती है, मैं कैसे दे दूं ये बालक। इस तरह अनेक मनोहारों के बाद जब बालक इंद्र के पास आता है तो उसको रूप देखने के लिए 1008 नेत्र बनाने पड़ते हैं, 1000 नेत्र बनाने पड़ते हैं। इतना सुंदर उनका रूप होता है भगवान का। इस सारी बातें एक तरफ रही और इन सारी गौरव गरिमाओं के बीच राज्य के महाराज्य के भोगों के बीच रहकर भी आखिर क्या बात थी कि भगवान आज वैराग्य को प्राप्त हो गए। मैंने गर्भ से ही भगवान तो आत्मानुभूति संपन्न सम्यक दृष्टि महापुरुष होते हैं, तीन ज्ञान के धारी। अवधि ज्ञान अतिरिक्त है पर फिर भी पुण्य इतना है कि वो भी गर्भ से ही मिल जाता है। मूल जो काम करने वाला ज्ञान है वो तो श्रुतक ज्ञान है कि जो भगवान के पास भी था और हमारे पास भी। हम उस श्रुतक ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, भगवान ने उस श्रुतक ज्ञान का और अपनी अहमियत का, अपने ममत्व का, अपनी श्रद्धा का सदुपयोग किया। अंतर बस इतना ही है, शेष तो ये जो महान उपलब्धि है चैतन्य की, वह चाहे किसी राज्य के भोगों के बीच में हो अथवा वह किसी झोपड़ी में हो, दोनों बिल्कुल बराबर होती हैं, उनमें रंचमात्र अंतर नहीं होता। इसीलिए एक कवि ने ऐसा लिखा कि आते जब तुम गर्भ स्वर्ग से रत्न बरसते और जन्म तुम्हारा जान स्वर्ग से इंद्र उतरते, होता जब वैराग्य देवता तब भी आते और समव शरण का वैभव भी
सब देव रचाते, ये सब सच है, किंतु बड़ी यह बात नहीं है। यह सब सच है किंतु बड़ी यह बात नहीं है। रे विभूति तो सदा पुण्य के साथ रही है, इसीलिए तो दुनिया चमत्कार को पूजा करती, और इसीलिए तू चमत्कार बनकर रह गया, तुम्हें जानकर जब तुमसे अनजान रह गया। इस तरह जब तप कल्याण का प्रकरण है तो उसका अर्थ यह है, यह जो अपने अनूठे माता पिता और सारा साम्राज्य, सारी प्रजा का स्नेह, सारी प्रजा की ममता, उसको छोड़कर एकदम जंगल की राह लेना ऐसे पुरुष का कि जो कभी सूरज की धूप भी न देखता हो। भगवान का जब जन्म होता है तो वे माता का दूध नहीं पीते, गर्भ में भी माता को जरा भी तकलीफ नहीं होती, ऐसे फूल की तरह रहते हैं। और जब जन्म लेते हैं तो माता का दूध नहीं पीते, किंतु 6 महीने तक अपना अंगूठा चूसते हैं, और अंगूठे में जो रस होता है उस रस से उनके शरीर की वृद्धि होती है। 6 महीने तक रस होता है, रस वाला होता है, और इसके बाद वो देवपुनीत भोजन उनके लिए रोजाना देव लोग लाते हैं। इतना ठाट। और देव लोग क्या करते हैं वहां, क्या स्टोव है, अंगीठी है, कैसा भोजन बनाते होंगे। इतने भोजन तो ऐसा ही होता है, आहार वर्गना वाला जैसा हम करते हैं, लेकिन भोजन इतना पुष्ट होता है देवों के द्वारा लाया गया कि उसका एक कण भी अगर कोई दूसरा सेवन कर ले तो वह उसे पचाना सुलभ नहीं है, सुलभ नहीं बल्कि असंभव है। ऐसा भोजन भगवान रोजाना करते हैं। वे पकवान वही स्वधर्म इंद्र का जो एक कमरा है, उस कमरे में इसकी व्यवस्था है, और वो पकवान स्वतः ही भगवान के दिव्य पुण्य से अपने आप ही रोजाना बनते हैं, और अपने आप ही रोजाना देव लोग उनको लाते हैं और करते हैं। खिलवाड़े भी होती हैं भगवान के, अगर भाई वगैरह होते हैं तो इस तरह का हास्य भी होता है कि देखो मैं तो माँ की गोदी में बैठकर लड्डू खा रहा हूँ, वो भाई कहता है, और तुम जो है दूर बैठे हुए ये लड्डू खा रहे हो, जाने कहाँ से आए हैं। मेरे स्वाद के सामने तुम्हारा स्वाद ठहर सकता है। इस तरह की परस्पर कौतूहलपूर्ण वार्ताएं भी होती हैं, भगवान हंसते रहते। ये सब हुआ, हमने देखा कि इतना सब होने पर भी आखिर भगवान को तकलीफ क्या थी कि वो सब छोड़कर जंगल की राह ले गए। कि तकलीफ मैंने तकलीफ नहीं थी, लेकिन आनंद की धारा वह तो उन सब भोगों के बीच में बह ही रही थी, जैसे समुद्र के खारे पानी में मीठी धाराएं बहा करती हैं, इस तरह से आनंद धारा वह तो भगवान के गर्भ के समय भी और जन्म के बाद भी बह रही थी अलग से,
उन भोगों से अत्यंत विरक्त, क्योंकि उनके पास चैतन्य का चिंतामणि था और वो चैतन्य के चिंतामणि का वे दर्शन कर चुके थे। एक बार जगत के सर्वोत्कृष्ट तत्व चैतन्य का, कि जो चिंतामणि के समान वास्तव में है, जिसको एक बार पा लेने पर जगत की सारी जो धधकती हुई भोगों की भट्टियां हैं उन पर बरसातें हो जाती हैं, वे ठंडी हो जाती हैं भोग वासनाएं, ऐसा वो चैतन्य चिंतामणि वो आपके और हमारे सबके भीतर जैसे एक मिट्टी के गमले में एक फूल खिला होता है, इस तरह से शरीर की मिट्टी के गमले में वो फूल खिला हुआ है चैतन्य का, और उसका दर्शन भगवान अपने पहले भव में ही कर चुके थे। जैसे उनका तीसरा भव चक्रवर्ती का कहलाता है, कौन से चक्रवर्ती थे, वज्रनाभी चक्रवर्ती, उनकी भावना तो हम लोग पढ़ते हैं, तो उस भाव में भी उन्होंने दीक्षा ली थी चक्रवर्ती ने, और ये सारा ज्ञान तो उनको पहले से ही था। हम उस ज्ञान के लिए तरसते हैं, लेकिन तरसते ही रह जाते हैं, क्योंकि हम जगत के ये जो भौतिक तत्व हैं इनमें से किसी न किसी के साथ अवश्य चिपके हुए हैं। तत्व की बात, चैतन्य की बात सुनने को बहुत मिलती है, सुनाने वाले भी बहुत मिलते हैं, लेकिन वह हमारे हृदय को भीतर से छू नहीं पाती। अगर एक बार भी छू ले तो जीवन धन्य हो जाता है। अरे जन्म लेते हुए भगवान पार्श्वनाथ तो क्या, लेकिन साक्षात भगवान अनंत पार्श्वनाथ और भगवान सिद्ध पार्श्वनाथ के बाद उन जैसी अनुभूति उस मेंढक को होती है जो तिर्यंच मेंढक होता है, उसकी अनुभूति में और उन भगवान तीर्थंकर अरंत की अनुभूति और सिद्धों की अनुभूति में कोई अंतर नहीं होता। जैसे वे मेंढक चैतन्य चिंतामणि का निरंतर आस्वाद लेता है, उसी तरह भगवान अरंत और सिद्ध भी निरंतर उसी का आस्वाद लेते हैं। वो आनंदमय होता है, विलक्षण आनंदमय होता है। जैसे हमने देखा, अभी थोड़ा सा थोड़े से अंतर से बात देखें, एक तो हमारे घर का बनाया हुआ भोजन और एक देवों के यहाँ से आया हुआ भोजन, आखिर उसके स्वाद में कितना अंतर होता होगा, अवश्य ही अंतर होता है। और वह स्वाद सचमुच असाधारण होता है। इसी तरह चैतन्य का जब एक बार स्वाद आया तो वह असाधारण होता है, और उस चैतन्य के स्वाद ने, उसके रसा स्वादन ने और उसकी निरंतर बहती हुई जो आनंद की धारा है उसने भगवान को राजमहलों में भी नहीं टिकने दिया और वे जंगल की ओर चल पड़े। माता पिता कहते रह गए, पुत्र ये क्या करते हो, पिता कहते रह गए ये राज्य कौन संभालेगा, सारी जनता कहती रह गई, लेकिन वहाँ भगवान का तो केवल एक ही उत्तर था, एक ही उत्तर, हे माता मुझे दूसरी माता नहीं करना। अब किसी के गर्भ में मुझे नहीं आना है, और कोई माँ है ऐसी कि जो मेरी राह देख रही,
और वह है मुक्ति लक्ष्मी कि जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए मैं दीक्षा लेकर भी तुम्हारा नाम उज्जवल करूंगा, लेकिन मेरा कुल कलंक नहीं। इस तरह भगवान आज के दिन हमने देखा कि सारा श्रृंगार उतार कर और दीक्षित हो गए। ये तो हम अपने हाथ से कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वहाँ साक्षात तो बात विलक्षण ही होती है। तो भगवान जब दीक्षा ले गए, दीक्षा हुई तो औरों जैसी दीक्षा भगवान की नहीं होती कि किसी गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती हो, क्योंकि भगवान का नियोगी ऐसा है कि उन्हें उस तीर्थंकर भाव में किसी को गुरु नहीं बनाना पड़ता, और ये तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से मिलते भी नहीं, ऐसा उनका नियोगी होता है। इसलिए उस भाव में केवल नमः सिद्धम कहकर भगवान दीक्षा ले लेते और जंगल की ओर जाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो कल्याण है ना, आज उसी का प्रकरण है ये ध्यान, उसी का भेद है ये ध्यान, कि जिसमें भगवान और ध्यान क्या है। भगवान को भी जो छठा और सातवां गुणस्थान प्रमत्त और अप्रमत्त दशा ये होती है, प्रमत्त दशा में आहार आदि का विकल्प आता है, अप्रमत्त दशा में थोड़े समय में ही जाकर पुनः उस चैतन्य चिंतामणि का रसा स्वादन करने लगते हैं, लेकिन वहां से उतरते हैं जिसे छठा गुणस्थान प्रमत्त दशा स्वरूप की असावधानी इन नामों से पुकारा जाता है, वहां आकर भी उनको केवल वही प्यास रहती है, उनको केवल वही कौतूहल रहता है, अरे मैं कहां धूप में आ गया हूं, ये किसके पंच महाव्रत हैं, किसकी पंच समितियां हैं, पांच महाव्रत पांच समिति गुप्ती षट आवश्यक और ये केशलोचादि जो 28 मूल गुण हैं, ये वास्तव में मैंने धारण तो किए हैं, लेकिन सचमुच इनसे मेरा आंतरिक कोई संबंध नहीं है। आया है शरणानुयोग चूलिका में तो कि ऐ पंच महाव्रतो, ऐ पंच समितियो, ऐ तीन गुप्तियो, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मेरे नहीं हो, लेकिन मैं तब तक तुम्हारे साथ रहता हूं कि जब तक मुझे अपने उस उच्चतम पद की प्राप्ति ना हो तब तक मैं तुम्हारे साथ रहा, इसके बाद स्वतः ही छूट जाती हैं, क्योंकि सारे के सारे पराधीन पराशित पुण्य भाव हैं। लेकिन होते हैं, उनके लिए यहाँ कतई इनकार नहीं है। 28 मूल गुण हर्मुनिराज को, उसमें किसी देश और काल की बात नहीं है, उसमें दुखमा सुखमा काल चौथा काल और ये पांचवा जो दुखमा काल है ये कोई बाधक नहीं होता। सर्व साधु तीन काल में एक से होते हैं, उनमें एक भी मूलगुण कम नहीं होता, 28 ही मूलगुण होते हैं। और जिन्होंने इस बात को जाना हो समझा हो वही तो सचमुच मुनि का भक्त हो सकता है। जिसने इस बात को जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, जो ये जो मुनिराज के संबंध में ये सोचता हो कि मुनिराज भोजन करके हमारे घरों से आते हैं, इसके बाद चुपचाप बैठे रहते हैं, दिन भर क्या करते हैं, तो महाराज
अब जो हमने एक प्रेस खोल रखा है तो आप कम से कम उसमें पुस्तकों का संपादन ही करो, क्योंकि आपके पास खाना खाने के बाद क्या काम रहता है। ऐसे लोग कि जिनको श्रावक धर्म का पता नहीं है और मुनि के स्वरूप का पता नहीं है, उन्होंने एक बार भी मुनि को देखा नहीं और मुनिराज को प्रणाम किया नहीं। अगर ऐसे मुनिराज को हमने मुनि मान लिया और कदाचित हमारे भाग्य से कुंद कुंद नीचे आ गए, तो हम तो कुंद कुंद को भी तो वही व्यवसाय बताएंगे कि आपके पास भी क्या काम है, ये हमारा प्रूफ रीडिंग करो। क्योंकि हमने देखा ही यह है कि उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसके लुप्त हो जाने के बाद हमें वही दिखाई देने लगते हैं और तब हम उसको वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं, इसलिए मुनि का स्वरूप तो लुप्त हो जाता है। वरना द्वंद्व की कहां बात है, बिल्कुल कहां द्वंद्व की बात है। जो त्रैकालिक बातें होती हैं उनमें जमाने के अनुसार कभी भी फेर बदल नहीं होता। कोई आधुनिक युग के मुनिराज होते हो तो कोई उस चतुर्थ काल के मुनिराज होते हो, ऐसा नहीं है। कुंद कुंद ऋषि ने तो ये करके दिखाया, जो इस काल में हमारे पंचम काल में हुए उन्होंने तो ये करके दिखाया, और इसीलिए उनका नाम भगवान महावीर, भगवान गौतम और उनके बाद मंगलम कुंद कुंदारियों के रूप में वे तीसरे स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। इस तरह उन्हीं का लेख, वे ही जानते हैं इस बात को कि मुनि बनने की क्षमता क्या होती है, और जहां मुनि बनने की क्षमता माने वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान पहले से होता ही है और इसके बाद उस ज्ञान के द्वारा ही जब पुनः पुनः उस निर्विकल्प चैतन्य का दर्शन होता है तो वैराग्य की धारा उमड़ती है, वैराग्य का तूफान उमड़ता है। और तब कोई अगर रास्ता रोकने वाला भी हो तो भी वह जो वीर पुरुष है वो रास्ते में अवरोध पाता नहीं है और सीधा अपने जंगल में निकल जाता है और अपने उस स्वरूप के ध्यान में, स्वरूप में वो शुद्ध चैतन्य तत्व कि जिसकी हम बार बार शिकायत करते हैं, वो हमें दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, नहीं ये दिख रहा है, ये दिखता नहीं है, ये कौन बोलता है। अरे किसी पत्थर ने ये नहीं बोला कि मैंने आज तक मुझे देखा नहीं, लेकिन जो बोल रहा है कि मैं मुझे दिखता नहीं हूँ, मुझे मेरा पता नहीं है, तो वही वास्तव में वो चैतन्य ही तो है, उसका ज्ञान ही तो बोल रहा है। वो ज्ञान अपनी सत्ता से इनकार करता हुआ बोल रहा है, इतनी मूर्खता है। ये मूर्खता ठीक हो जाए तो ज्ञान सम्यक होकर उस चैतन्य का दर्शन करने लगता है, सारे जगत से फिर जाता है। इतना वैभवशाली वो चैतन्य है कि जब एक बार अनुभूति में उसके स्वरूप का पता लग जाने पर फिर कोई बात शेष नहीं रहती, और जगत का कोई पदार्थ कैसा ही हो, कैसा ही रूप और कैसा ही रंग लेकर आवे, लेकिन वह सभी सारा जगत मिलकर उस एक पुरुष को आकर्षित कर सके, ऐसी उस सारे जगत में ताकत नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है। ऐसा वो अपने भीतर गुप्त रहने वाला महापुरुष होता है। भगवान पार्श्व भी आज उसी स्थिति में है, ध्यान की स्थिति में है और उस चैतन्य का ध्यान कर रहे हैं। अब हम मिलाएं उस बात को, चैतन्य का ध्यान करते हैं तो हमने तो ये सुना है कि जो मुनिराज होते हैं उन पर उपसर्ग भी बहुत आते हैं, कि हाँ आते हैं ना, लेकिन उपसर्गों की जो भाषा है वो भाषा हमारी है, मुनिराज की नहीं है, वो हमारी भाषा है।
क्योंकि हम जगत के कष्टों को सह नहीं पाते, क्यों हमारे भीतर वो वैराग्य की धारा अभी उफनती हुई चली नहीं है। वैराग्य है जरूर, चारित्र का अंश अवश्य प्रकट हुआ है आत्मानुभूति में, स्वरूपाचरण का और सम्यक्त्वाचरण का ये पैदा हुआ है अवश्य, लेकिन अभी वो बाल दशा में है, शिशु दशा में है। जब वो विकसित होगा तो भगवान पार्श जैसा कार्य करने लगेगा। इसलिए जो उपसर्ग आते हैं, उन उपसर्गों की जो सीमा है, उनकी जो पहुंच है, वह केवल शरीर तक है, और शरीर के भीतर जैसे 48 तालों में भगवान मानतुंग थे, इस तरह कई परतों के नीचे भाव द्रव्य कर्म, नौकर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनकी तीन कठोर परतों के नीचे वो चैतन्य का पुष्प खिला हुआ पड़ा है, और उस चैतन्य पुष्प की गंध में निरंतर ये पाश जैसे संत हैं, वे मुग्ध रहते। तब उपसर्ग वहाँ पर पहुँच, वही तो वो चैतन्य है, क्या ये हमको नहीं दिखता है? लक्षण है ना ये ज्ञान, जो हम जानते हैं और जानने से इनकार करते हैं, ये भी तो ज्ञान ही करता है। और वो ज्ञान जहाँ है वहीं वो चैतन्य है, न तो उस ज्ञान में किसी का प्रवेश होता और न उस चैतन्य में किसी का प्रवेश होता। वो चैतन्य ऐसा निरापद किला है, वज्र किला है, कि जिसके भीतर अनादि काल से हम लोगों के भीतर, भगवान पार्श के भीतर नहीं, उनने तो इस बात को जाना और समझा कि मैं कल्पनाओं में था, लेकिन सचमुच ये कल्पनाएं बिल्कुल मिथ्या और बिल्कुल झूठी थी। मेरे भीतर न तो आज तक किसी कष्ट का प्रवेश हुआ है, और न ये जगत के जो काल्पनिक सुख के जो सचमुच क्लेश हैं, दुख हैं, जो जिनको दुख ही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सुख का नाम निशान नहीं है। इसलिए सारे ही सुख और दुख ये मेरे उस चैतन्य को आज तक छू नहीं पाए। हरिजन की तरह बाहर रहते हैं, उसको छू नहीं पाए आज तक। इस तरह जब उपसर्ग आता है तो जैसे कछुआ, अरे उस उपसर्ग के समय कदाचित आत्मा का चैतन्य का चिंतन भी चल रहा हो, छठे गुण स्थान की दशा में हो और चैतन्य का चिंतन चलता हो, तो चैतन्य का चिंतन भी विराम को पाकर और आत्मानुभूति में बदल जाता है, शुद्धोपयोग में बदल जाता है, भाव शुद्ध ज्ञान शुद्धात्मा का अनुभव करने लगता है, और उस शुद्धात्मा का जो अनुभव है वो इतना निरापद है, शुद्धात्मा निरापद, और उस शुद्धात्मा जिसमें उतर आया है, ऐसा जो शुद्धोपयोग भाव शुद्ध ज्ञान स्वसंवित्ति स्वसंवेदन ज्ञान, कई नाम से उसे पुकारा जाता है, आत्मावलोकन आत्मदर्शन, तो इसमें धारा में जब भगवान प्रवाहित होते हैं तो उपसर्ग केवल ऊपर ही ऊपर रह जाता है। जैसे किसी का वातानुकूलित एसी बंगला हो और एसी बंगले में न कोई गर्मी होती है और न सर्दी होती है, गर्मी और सर्दी नहीं होती तो वो व्यक्ति उसके भीतर रहता हुआ बहुत आराम किया करता है और वहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहता, निकलना ही नहीं चाहता है। इस तरह भगवान भी अपने एसी बंगले में, जहाँ पर मोह राग द्वेष की धूप और छा नहीं है, पहुँच ही नहीं पाती है कभी, सदा न्यारी ही रही है उस चैतन्य से, ऐसे उस चैतन्य में पहुँच जाते हैं, तो वो जो उपसर्ग जिसको हम लोग उपसर्ग और कष्ट कहते हैं, उसको भगवान आनंद कहते हैं। अरे जिसने मेरे को छुआ नहीं, जो मेरे तक पहुंचा नहीं, उसको मैं उपसर्ग की भाषा दूं तो मैं मुनि हो सकता हूं? कभी नहीं हो सकता। अरे मेरे ऊपर आज तक उपसर्ग आया ही नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं निरापद तत्व हूं और सदा ही वज्र के किले में रहता हूँ, कि वज्र के किले में रहता हूँ, कि जिसको मोह राग द्वेष आज तक तोड़ नहीं पाए,
इन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन एक निशान भी मेरे वजीफे के लिए पर नहीं हो पाया। ऐसे भगवान पर कमट का उपसर्ग हुआ, ये हम कहते हैं ना उपसर्ग हमारी भाषा में, तो कमट का उपसर्ग हुआ। हम पहले तो ये बात देखें कि कमट आके थोड़े समय तो उपसर्ग करता ही रहा, पत्थर बरसाता रहा, क्योंकि वो वैर पालता रहा था कई भाव से, और भगवान के हृदय में वैर नाम निशान भी नहीं था, तो ये एक तरफा ही चल रहा था सारा का सारा। मैंने कमट के फेवर में ही सारी बात चल रही थी, जितनी भी क्रोध मान की है वो उसके हृदय में चल रही थी। तो वो जब हुआ तो उस कमट के उपसर्ग के समय भगवान तो ध्यानस्थ थे, अपनी चैतन्य गुफा में चले गए, और उस चैतन्य गुफा में चले जाने पर जब वो उपसर्ग वो कमट जो पत्थर बरसाता था वो तो केवल शरीर तक ही सीमित रह गई, वो कहाँ आगे पहुंच पाए। इसलिए भगवान ये कैसे कहें, ये किस मुंह से भगवान बोले कि मुझे ये अज्ञानी है और ये इसका मेरे साथ इतने भव का वैर है और इसलिए ये तो अज्ञानी है तो मेरे ऊपर कष्ट कर रहा है, मुझे ये कष्ट देने का उपसर्ग करने का ये भारी उपक्रम कर रहा है, लेकिन मैं तो मुनि हूँ और मुझे तो सहना चाहिए, तो हम उसको मुनि की संज्ञा नहीं देते। जो ये मानता हो कि मेरे ऊपर उपसर्ग आया है और जो ये मानता हो कि कोई अज्ञानी है और वो मेरे ऊपर इस तरह के उपसर्ग करता है, तो उन्होंने उस चैतन्य के निरापद किले को देखा ही नहीं, वहाँ वो आज तक गए ही नहीं, पहुँचे ही नहीं। अरे उस चैतन्य किले में अगर एक सम्राट सोता है, उस वज्र के किले में एक सम्राट अगर सोता है और वो किला घिर जाता है, शत्रु उसे घेर लेता है, तो जिस समय उस समय अमात्य वगैरह बहुत मंत्री वगैरह बहुत है राजा के पास, तो राजा तो सो रहा है बहुत गहरी निद्रा में आराम से सो रहा है, और उधर शत्रु ने उस किले को घेर लिया है। अब अमात्य उधर चिंतित हो जाते हैं, फिकर हो जाती है, अरे अनायास यह जो आक्रमण हुआ है इसको कैसे हम सहन करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे, कहाँ से सामग्री लाएंगे। तब राजा को जगाते हैं, राजन जागो किला घिर गया है। तब राजा कहता है कौन है, कि मैं अमात्य हूँ, कि चुपचाप एक तरफ चला जाए, मेरी नींद को आराम मत कर। राजन फिर जागो, शत्रु ने किले को घेर लिया है और अवश्य इस समय आपको जागना चाहिए, कि बिल्कुल बकवास मत कर, एक तरफ बैठ जा। किस बल पर राजा बोलता है, वो बोलता है कि मेरा किला वज्र का है और एक शत्रु नहीं हजारों शत्रु अगर इसको घेर लें तो इसकी दीवार पर निशान तक नहीं होगा तोप का। ऐसा चैतन्य किला होता है, और भगवान मुनिराज अपने आप को मुनि नहीं मानते, मैं मुनि हूँ ये नहीं मानते हैं। और सचमुच मुनि किनको कहते हैं, नियम सार में आया है कि जो मुनिराज में और भगवान सिद्ध में अंतर मानता है वो जड़ है, जड़ है वो जो अंतर देता है। अभी तो चारित्र की कमी है, अरे चारित्र इत्यादि जो आगे विकसित होने हैं, प्रकट होने हैं, वो तो प्रकट होने वाली चीजें हैं ना, और जो सदैव से प्रकट है भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर जो ज्ञान से ज्ञान में प्रकट है, प्रज्वलित है, आनंद में प्रकट है, ऐसा जो ज्ञान और आनंद में अनंत शक्तिमय जो तत्व है चैतन्य, उस चैतन्य के भीतर जो रहता हो वो कष्ट की बात कैसे करेगा, उसको कैसे होगी ये बात। इसलिए वह तो अपने आप को वो मानता है कि मुझे मोक्ष जाना ही नहीं, तुम्हें बंद का प्रश्न कहाँ है, मेरा मोक्ष होता ही नहीं। बात तो आध्यात्मिक है, असली गहरी बातें हैं, लेकिन बड़ी बहुत ही प्रसन्नतादायक बातें हैं। कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं जाना क्योंकि मेरा मोक्ष होता नहीं है, उसका कारण है कि मैं वर्तमान में मुक्त हूँ, मैं त्रिकाल मुक्त हूँ, इसलिए नया आने वाला मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, वो मेरा है ही नहीं, वो मोक्ष मेरा कुछ नहीं लगता, इतना जिसका नौ हाथ का कलेजा हो उसको मोक्ष स्वतः मिल जाता है।
उसको मोक्ष मिल जाता है, मिल जाता है, वो मिल जाता है। वो कहते हैं वो जानने में आता है, हम उस मोक्ष का भोग करते ही नहीं है। हम तो जो यहाँ गृहस्थ दशा में उस चैतन्य चिंतामणि का एक बार जिसे चतुर्थ गुण स्थान कहते हैं अविरत, जहाँ व्रत नहीं है, उसका जहाँ पर देखा एक बार दर्शन हुआ, वहाँ से लेकर अनंत सिद्ध दशाओं तक, अरे केवल ज्ञान भी निरंतर उसी का दर्शन करके आनंदित रहता है। और वो केवल ज्ञान अपने को केवल ज्ञान न मानकर चैतन्य चिंतामणि मानता है, ध्रुव मानता है, शुद्ध मानता है, क्योंकि वो ध्रुव है, इसलिए वही उपलब्ध हो सकता है। पर्याय मात्र से जिसने अपना संबंध तोड़ लिया है, अरे मैं तो परिणामी परमात्म तत्व हूँ वर्तमान में, मेरे में कलंक का, रज का, मोह का, राग का, द्वेष का नाम निशान नहीं है, केवल इतना करना है, मोह राग द्वेष का नाश करना ही नहीं है। हम कैसी बातें करते हैं? जैन दर्शन वो किसी के नाश की बात करेगा? अरे जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो किसी के नाश की बात करेगा? तो फिर वो तो राग की बात भी करेगा तो राग द्वेष से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्म के 8 कर्मों के नाश की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन मोह राग द्वेष के नाश की बात भी केवल कहने की है, वास्तविक नहीं है। जो मोह राग द्वेष के सामने देखता है और ये देखता है कि मेरा इतना मोह बाकी है, उसे तो निरंतर मोह दिखता है, चैतन्य का दर्शन कैसे होगा? और वो अपने आप को मोही मानता है, मोही मानने तक सीमित है, मोही हो नहीं गया है वो चैतन्य, वो तो ऐसा तत्व है, क्योंकि उसे जगत की कोई संपत्ति चाहिए नहीं, वो इतना परिपूर्ण है कि उसके पास आश्रय और बंध की बात तो बहुत दूर, लेकिन मोक्ष को रखने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। वो इतना परिपूर्ण और इतना भरचक तत्व है। ऐसे तत्व में भगवान समा गए और वो जो कमठ ने जो अवसर किया उसकी तो कथा हम जानते ही हैं। आखिर देवों की नींद खुली, फिर तत्काल तो देव नहीं आए ना, वहाँ तो जन्म होते ही और गर्भ होते ही उतर आए थे और रत्न की वर्षा करने लगे थे और चाकर थे चाकर, और अब कहाँ चले गए? कहते हैं इस असाथा का क्या करें हम, लेकिन भगवान ये जानते हैं कि असाथा मेरा कोई लगता ही नहीं है, उसकी सीमा केवल इस मिट्टी तक है, वो भी मिट्टी है और ये देह भी मिट्टी है, इसके भीतर चैतन्य का फूल, केवड़े का फूल खिला हुआ है, उसकी सौरभ से मैं निरंतर सुरभित हूँ, ऐसा भगवान जी जानते हैं। तो आखिर हुआ, वो भी हुआ, असाथा का उदय गया, पुण्य का उदय आया, तो धर्मेंद्र और पद्मावती आए, उन्होंने छत्र कर दिया और उपसर्ग दूर हो गया। हम लोग प्रसन्न हुए लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि भगवान को अप्रसन्नता कहाँ थी? अरे ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा मित्र है। अगर वैसे भी देखा जाए, कर्म की ओर से भी देखा जाए, तो कर्म जो है धड़ाधड़ टूट रहे हैं, निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें उनसे भी क्या मतलब? कर्मों की चर्चा से अथवा भाव कर्म की चर्चा से भी कहाँ मतलब है? अरे भाव कर्म से जिसने संन्यास ले लिया चौथे गुण स्थान में, संपूर्ण रूप से कपड़े पहने हैं, कौन कपड़ा उतारे और कौन कपड़ा पहने? कौन पहने? भगवान ने कपड़े उतारे, भगवान ने केश लॉन्च किया, भगवान ने कपड़े पहने थे पहले। अरे जिसको ये ज्ञान ही नहीं है तो क्या संज्ञा दें हम उसे? यही ज्ञान नहीं है। इस तरह भगवान पाश का उपसर्ग दूर हुआ, ये हम लोगों के लिए तो बड़ी शांति और बड़ी सुख की बात रही, लेकिन भगवान में रंच मात्र परिवर्तन नहीं हुआ, वो अपने ध्यान में लीन ही रहे। और हम देखेंगे कि कल भगवान को केवल ज्ञान होने वाला है और हम उसको भी अत्यंत गौरव और गरिमा से मनाएंगे। टाइम बहुत हो गया, मैंने पहले भी आपसे क्षमा मांगी और पुनः मैं क्षमा चाहता हूँ एक बात से, कि हम यदि विवाह करते हैं तो हमारे ऊपर पति का एक भार आ जाता है और वो तरह तरह की आज्ञाएं हमारे ऊपर छोड़ते हैं तो हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए केवल इस बात से वो थोड़े से दूर रहकर और इस बात को बर्दाश्त न करके
और ब्रह्मचर्य लेने को तैयार हो जाए तो फिर वो ब्रह्मचर्य ही नहीं है, असल में वास्तव में नहीं है। सच्चा तो यह है कि मुझे वो भार तो चाहिए ही नहीं, किसी का संग तो चाहिए नहीं, क्योंकि मैं तो अब जो निरंतर असंग है, तैकालिक असंग है, उसका संग करने को जा रही हूँ, इसलिए उस संग की तो मुझे आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन मुझे ये परिवार भी नहीं चाहिए और जगत ही नहीं चाहिए, ऐसा वैराग्य जिसके चित्त में पैदा हुआ हो तो उसको ये लेना चाहिए, क्योंकि जमाना इस दिशा में जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए मैं भी हिचक खाया करता हूँ। लेकिन जो दृढ़ है इस तरह से, तो उसको गिराने का मन भी नहीं होता। मेरी तो मंगल कामनाएं हैं कि वह इस व्रत को धारण करके और अपना जीवन उज्जवल करे और गुरुदेव के जो तत्व हैं उनकी निरंतर अपने जीवन में आराधना करते हुए अंत में वो मुक्ति की भाजन बने, मेरा तो ऐसा ही निवेदन है। अब चूंकि वे तैयार हैं, तो तैयार हो ना, तैयार हैं, तो मैं जो बोलता हूँ वो आप बोले जाएं, थोड़ा और नजदीक हो जाएं तो क्या मेरा गला ऐसा हो रहा है। अच्छा, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंच कल्याणक महोत्सव उज्जैन, ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा, कुमारी वीणा, बल्लभगढ़। अब बोलिए आप। मैं कुमारी वीणा। मैं कुमारी वीणा। जैन। जैन। आयु 31 वर्ष। आयु 31 वर्ष। सुपुत्री। सुपुत्री। अभी बोलना बहुत है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। सुपुत्री श्री नरेंद्र कुमार जी जैन। सुपुत्री श्री नरेंद्र कुमार जी जैन। उमर। उमर। गोत्र गंगेश्वर। गोत्र गंगेश्वर। निवासी बल्लभगढ़ दिल्ली। निवासी बल्लभगढ़ दिल्ली। परम आराध्य देवाधिदेव भगवान महावीर। परम आराध्य देवाधिदेव भगवान महावीर। आदि अनंत तीर्थंकरों। आदि अनंत तीर्थंकरों। एवं एवं उनकी पावन परंपरा में सुशोभित। उनकी पावन परंपरा में सुशोभित भगवान कुंदकुंद आदि। भगवान कुंदकुंद आदि। गीतराग आचार्यों के। गीतराग आचार्यों के। जैन तत्व ज्ञान को। जैन तत्व ज्ञान को आत्मसात करके। आत्मसात करके उसे। उसे संपूर्ण विश्व में। संपूर्ण विश्व में स्थापित करने वाले। स्थापित करने वाले इस युग के। इस युग के एकमात्र आध्यात्मिक अध्यात्म दृष्टा। एकमात्र अध्यात्म दृष्टा अध्यात्म योगी। अध्यात्म योगी रमणीय आत्मानुभूति संपन्न। रमणीय आत्मानुभूति संपन्न सम्यक दृष्टि सत्पुरुष। सम्यक दृष्टि सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी की। श्री कांजी स्वामी की ज्ञान वैराग्य में अवगाहन करती। ज्ञान वैराग्य में अवगाहन करती प्रवचन धारा से। प्रवचन धारा से अत्यंत प्रभावित होकर। अत्यंत प्रभावित होकर अपने अपने विदेश प्रवास के। विदेश प्रवास के छह वर्षों में भी। छह वर्षों में भी वहाँ की। वहाँ की भोग संस्कृति से। भोग संस्कृति से अछूती रहकर। अछूती रहकर पुनः स्वदेश लौटकर। पुनः स्वदेश लौटकर संसार। संसार शरीर। शरीर और भोगों से सर्वतः भोगों से विरक्त। सर्वतः भोगों से विरक्त सर्वतः विशुद्ध। सर्वतः विशुद्ध अपने अंतःकरण के। अपने अंतःकरण के पावन वायुमंडल में। पावन वायुमंडल में मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की क्षिप्रा तटवर्तिनी। क्षिप्रा तटवर्तिनी उज्जैनी नगरी में। उज्जैनी नगरी में महामांगलिक। महामांगलिक भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ के। भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अति भव्य। अति भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की पवित्र श्रृंखला में। पवित्र श्रृंखला में आज आज वीर निर्माण संवत।
वीर निर्वाण संवत 2527 2527 दिनांक 3 फरवरी दिनांक 23 फरवरी 23 फरवरी दिनांक 23 फरवरी सन 2001 शुक्रवार सन 2001 शुक्रवार को संपन्न हो रहे भगवान पार्श्व के परम वैराग्य संपन्न तप कल्याण के महावैराग्य महोत्सव की तप कल्याण के महावैराग्य महोत्सव की चारों ओर छाई हुई वैराग्य की शांत शीतल छटा के बीच मेरे श्रद्धा सुमनों के एकमात्र उपाय से भगवान अरंत सिद्ध माँ जिनवाणी एवं भगवान पार्श्व जैसे महान संतों की साक्षी में और यहाँ उपस्थित मेरे पूज्य माता पिता की पूर्ण अनुमति से सांसारिक पाप में भोग टीवी सिनेमा नाटक आदि के महापाप में दर्शन भोग प्रधान वैवाहिक प्रसंग विकथा विसंवाद एवं स्वच्छंदता आदि के विषपान से जीवन भर दूर रहकर अपने माता पिता परिवार एवं आदरणीय साधर्मियों के प्रति अत्यंत विनम्र सेवा भाव अपने चित्त में प्रतिष्ठित करके भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे हजारों हजारों तत्व श्रद्धावान मुमुक्षु बंधुओं के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जैसे सत्पुरुष द्वारा उपदिष्ट शुद्ध चिन्मात्र अविनश्वर चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा की जीवन भर आराधना के लिए अपनी नश्वर देह के परम संयम हेतु ये खास याद रखना आप अपनी नश्वर देह के परम संयम हेतु शुद्ध चैतन्य विहारी मनोरम ब्रह्मचर्य का आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करती हूँ इस प्रकार यह ब्रह्मचर्य की पूजा संपन्न हुई और इस बहन ने ब्रह्मचर्य धारण किया। अब आप ये मैं दे रहा हूँ। एक वर्षों की मनोकामना पूर्ण हुई। मैं अपने एकमात्र अध्यात्म आराध्य भगवान अरहंत माँ जिनवाणी और पार्श्व प्रभु जैसे बता देना थोड़ा अक्षर पार्श्व प्रभु जैसे अनंत दिगंबर संतों को अपने अनंत प्रणाम वंदन समर्पित करती हूँ और मेरे जीवन दाता मेरे परम पूज्य माता पिता एवं आप सभी सम्माननीय मुमुक्षु बंधुओं की पावन प्रेरणा के लिए आप सभी को विनम्र प्रणाम पूर्वक आपका आभार स्वीकार करती हूँ। आजीवन महा आनंद प्रदायी ब्रह्मचर्य का यह 80 धारा व्रत स्वीकार करती हूँ। आप सभी इस पवित्र प्रतिज्ञा के सुदृढ़ निर्वाह के लिए अपनी अनंत मंगल आशीषों से अपनी इस आकिंचन पुत्री का जी भरकर सिंचन करते हुए जीवन भर मेरे इस व्रत के निर्वाह में सर्वांग सहयोग
करते हुए मुझे कृतार्थ कीजिए।